हेलो फ्रेंड्स, जय जोहार। मैं अंकिता आप सबका आपके अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। कनेक्टेड सेट्स के जो थ्योरम हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, उसी सीरीज़ को मैं आज आगे बढ़ा रही हूँ। एक और थ्योरम मैं आज लेकर आई हूँ जो आई होप कि इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन के बिहाफ पे भी और समझने के बिहाफ पे भी, नॉलेज गेन करने के बिहाफ पे भी। तो स्टार्ट करते हैं आज का थ्योरम। थ्योरम थ्री कह सकते हैं, क्योंकि दो थ्योरम मैंने पहले बताया हुआ है, तो ये थ्योरम थ्री होगा। तो थ्योरम थ्री क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट है कि अ सबसेट ई ऑफ द रियल लाइन आर कंटेनिंग एटलीस्ट टू पॉइंट्स, एटलीस्ट टू पॉइंट्स इज कनेक्टेड, यानी कि ई इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ ई इज एन इंटरवल, ई इज एन इंटरवल। ये हुआ एक स्टेटमेंट, और इसी स्टेटमेंट को एक और तरीके से बोला जा सकता है कि अ सब स्पेस ऑफ अ रियल लाइन, सब स्पेस ऑफ अ रियल लाइन इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटरवल। आप देख सकते हैं कि दोनों का मतलब एक ही है, बस इसमें नोटेशन दे दिया गया है, इसलिए इसको थोड़ा सा लंबा हो गया है। डिटेल्ड थ्योरम कह सकते हैं इसको, और ये शॉर्ट हो गया। कहने का मतलब एक ही है, प्रूफ तो दोनों का सेम ही होना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम थ्योरम को पहले अच्छे से पढ़ते हैं। पता तो होना चाहिए ना कि हमको प्रूफ क्या करना है और दिया क्या है। तो अ सबसेट ई ऑफ अ रियल लाइन आर कंटेनिंग एटलीस्ट टू पॉइंट्स इज कनेक्टेड, मतलब कि ई के पास कोई दो पॉइंट हैं, कम से कम दो पॉइंट्स हैं, एटलीस्ट टू पॉइंट्स हैं, और ई जो है वो लाइन आर के लिए सबसेट है। अब इफ़ ई इज़ एन इंटरवल, तो दो पार्ट्स हैं, इफ़ एंड ओनली इफ है, तो या तो अगर ये है तो ई इज़ इंटरवल, और ई इंटरवल है अगर, तो ई जो है वो रियल लाइन का सबसेट है जो कनेक्टेड होगा। मतलब कि ई कनेक्टेड है और ई इंटरवल है, ये दो पार्ट्स हो सकते हैं। अगर ई कनेक्टेड है तो ई इंटरवल होना चाहिए, ई इंटरवल है अगर तो ई कनेक्टेड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे कि ई कनेक्टेड है, और प्रूफ करेंगे कि ई एक इंटरवल है। फिर कन्वर्स में हम प्रूफ करेंगे कि इंटरवल है, मतलब लेके चलेंगे कि ई इंटरवल है तो प्रूफ करेंगे कि ई कनेक्टेड है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। कनेक्टेड का डेफिनेशन मैं आई बटन पे दे दूंगी फ्रेंड्स, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे कनेक्टेड का डेफिनेशन अच्छे से समझाया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। ई कनेक्टेड है लेके चल रहे हैं, कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर, ठीक है। अब हमको प्रूफ करना है कि ई, वी हैव टू प्रूव दैट ई इज एन इंटरवल, ई इज एन इंटरवल, ये हमको प्रूफ करना है ना। तो हम ये माने हैं, ये हमको प्रूफ करना है। तो मान लेट लेके चलते हैं कि ई इंटरवल नहीं है, मतलब कि लेट वी अज्यूम दैट ई इज नॉट एन इंटरवल, इंटरवल नहीं है ये लेके चलिए। तो लेट अस टेक टू डिसजॉइंट पॉइंट्स एक्स और वाई, दो पॉइंट्स हम लेते हैं बिलोंग्स टू ई,
कैसे हैं सच दैट एक्स इज लेस देन वाई और जेड एक पॉइंट लेके चल रहे हैं जेड बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स लेस देन जेड लेस देन वाई। ठीक है, अब ये क्या इम्प्लाई कर रहे हैं, सिंस हमने यहाँ पे लेके चला है एक्स वाई बिलोंग्स टू ई और एक्स लेस देन जेड लेस देन वाई, तो ये इम्प्लाई करेगा कि जेड इज नॉट बिलोंग्स टू ई। क्यों? क्योंकि जो ई है वो इंटरवल नहीं है, इंटरवल नहीं है इसलिए इन दोनों के बीच जो पॉइंट लाई करता है वो पॉइंट इसमें लाई करे ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये नॉट बिलोंग्स टू हो गया। तो ई नॉट इंटरवल है इसलिए ई इज़ नॉट एन इंटरवल, सो दैट इज़। तो नाउ नाउ ये कंडीशन है हमारे पास जेड नॉट बिलोंग्स टू ई, तो इट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जेड एंड वाई बिलोंग्स टू जेड टू इन्फिनिटी। ठीक है, फिर इट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ई इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू जेड एंड वाई बिलोंग्स टू ई इंटरसेक्शन जेड टू इन्फिनिटी। ठीक, फिर आगे सॉल्व करते हैं, आगे हमको क्या मिलेगा, ई इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू जेड यूनियन ई इंटरसेक्शन जेड टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू ई आया, एक्स के जगह पे ये रखा वाई के जगह पे ये रखा ना, तो ये आ गया। फिर इट इम्प्लाइज ई इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू जेड इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन जेड टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू फाई आ गया, यूनियन ई हो रहा है और ये तो फाई है, तो फॉर इट इम्प्लाइज माइनस इन्फिनिटी टू जेड इंटरसेक्शन जेड टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू फाई। दिस प्रूव्स दैट माइनस इन्फिनिटी टू जेड यूनियन जेड टू इन्फिनिटी इज डिसकनेक्शन ऑफ ई, डिसकनेक्शन ऑफ ई, तो ई डिसकनेक्टेड प्रूफ हो गया, जबकि हम शुरू में लेके चले थे कि ई कनेक्टेड है करके, तो अ कॉन्ट्रोडिक्शन। इट इम्प्लाइज ई इज एन इंटरवल, हो गया प्रूफ, इज एन इंटरवल प्रूफ्ड, एक पक्ष हमने प्रूफ कर दिया, अब इसका कन्वर्स प्रूफ करते हैं। कन्वर्स प्रूफ करने के लिए हमको क्या मान के चलना है कि ई इज एन इंटरवल, देन टू प्रूव दैट ई इज कनेक्टेड, ई इज कनेक्टेड प्रूफ करना है, तो हम मान के चलते हैं कि ई इज नॉट कनेक्टेड। सो लेट वी अज्यूम ई इज डिसकनेक्टेड, ई को डिसकनेक्टेड मान लिया। अब ई अगर डिसकनेक्टेड है तो ई के पास ऐसे दो सेट्स होंगे, मानते हैं जी और एच, तो जी यूनियन एच इज इक्वल टू ई, जी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू फाई एंड जी इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई, ये डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन से हमको पता है, आप वीडियो देख लीजिएगा वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़। तो ये हो गई कंडीशन, और एक और कंडीशन होती है कि जी नॉट इक्वल टू फाई एंड एच नॉट इक्वल टू फाई, यानी कि दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो देयर एग्जिस्ट
एक्स बिलोंग्स टू जी, वाई बिलोंग्स टू एच, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, एच इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू फाई है, एच इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू फाई, एच इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू फाई है, तो इसलिए यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू वाई आ गया है. टू बी पर्टिकुलर एट दिस पॉइंट, लेट एक्स लेस देन वाई, मान के चलते हैं कि एक्स लेस देन वाई है. एक्स लेस देन वाई है इस पॉइंट पे, एक्स लेस देन वाई है ये लेके चलते हैं हम, तो इट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू जी, वाई बिलोंग्स टू एच, इम्प्लाइज एक्स वाई बिलोंग्स टू ई. जी और एच दोनों सबसेट हैं ई के, तो इसलिए एक्स वाई ई में बिलोंग करते हैं. तो एक्स वाई सबसेट ई इम्प्लाइज ई इंटरसेक्शन जी यूनियन ई इंटरसेक्शन एच, ये हुआ ई के इक्वल. दिस प्रूव्स द फैक्ट दैट एनी डब्ल्यू बिलोंग्स टू एक्स वाई इम्प्लाइज डब्ल्यू बिलोंग्स टू जी और डब्ल्यू बिलोंग्स टू एच, ये हुआ. डिफाइन जेड इज इक्वल टू सबसेट W such that W belongs to XY intersection G. Clearly, it implies that X less than equal to Z less than equal to Y. Which implies that Z belongs to E. जेड ई में बिलोंग कर गया, दोनों के बीच है और ई जो है वो इंटरवल है, इसलिए जेड बिलोंग्स टू ई आ गया. फिर सिंस जी इज क्लोज्ड, जी सबसेट है ई का एंड सो इट इम्प्लाइज, अब जेड बिलोंग्स टू ई है और जी सबसेट है ई का, तो इसलिए जी जेड इज बिलोंग्स टू जी आ गया. फिर अब हमको पता है कि जेड बिलोंग्स टू जी और जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू फाई, तो इट इम्प्लाइज जेड नॉट बिलोंग्स टू एच. ये एक कंडीशन है, इसको हम रॉन्ग प्रूफ करेंगे. देखते हैं आगे, जेड नॉट इक्वल टू वाई, नॉट बिलोंग्स टू एच है और वाई एच में बिलोंग करता है, इसलिए नॉट नॉट इक्वल टू वाई आया. इट इम्प्लाइज एक्स लेस देन इक्वल टू आर लेस देन क्यू, बाई डेफिनेशन ऑफ जेड, जेड प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन एच फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट जेड प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन वाई. हेंस H is subset of E. So Z belongs to H. यहाँ पे H G is subset E था, यहाँ पे Z G is subset H और Z belongs to G था, तो यहाँ पे हमने प्रूफ किया कि Z plus E less than Y. अब हम मान के चल रहे हैं कि H subset है E का, तो जेड बिलोंग्स टू एच आ गया. यहाँ पे हमने जेड नॉट बिलोंग्स टू एच लिया था, यहाँ पे आई बिलोंग्स टू एच लिया है ना, ध्यान रखिएगा ये कैसे कैसे हो रहा है उसको ध्यान से. फिर ये हुआ, तो अब हम जानते हैं कि जेड बिलोंग्स टू जी और जेड बिलोंग्स टू एच, इट इम्प्लाइज it implies G intersection H is belongs to Z belongs to G intersection H. ये a contradiction है.
कॉन्ट्रडिक्शन कैसे, हमने डिस्कनेक्टेड लिया था यानी कि जेड नॉट बिलोंग्स टू जी इंटरसेक्शन एच लिया था, जबकि हमको यहाँ पे ये मिल गया और हमने लिया था कि जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू फाइव है, जबकि यहाँ पे तो जी जेड बिलोंग कर रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। तो इसलिए इम्प्लाइज ई इज कनेक्टेड। बड़े पापा लोग तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, होप आपको समझ में आया होगा। कहीं पे कंफ्यूजन हो अगर तो बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।